का स्वागत है। फिर से बात करते हैं कांग्रेस की स्क्रीनिंग समिति की बैठक की, समिति की बैठक की, तो आज 70 सीटों के लिए एक से दो नामों के लिए पैनल तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री राज्य के खिलाफ कौन उम्मीदवार होगा उसको लेकर भी चर्चा हुई है। सीएम राज्य के खिलाफ इस बार भी कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। सचिन पायलट ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 50 से 55 सीटों के लिए छानबीन समिति दीपावली के बाद बैठक करेगी और उस बैठक के लिए भी प्रभारी सचिव बुलाए गए हैं। 8 नवंबर को होने वाली सीईसी से पहले शैलजा बैठक ले सकती हैं और 12 नवंबर को होने वाली सीईसी की बैठक में राजस्थान पर चर्चा हो सकती है। 8 नवंबर को केवल तेलंगाना पर ही चर्चा हो सकती है, जिससे राजस्थान की छानबीन समिति को और वक्त मिल जाएगा। फिर राजस्थान की सभी बची हुई सीटों को लेकर एक साथ चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान को नामांकन की आखिरी तारीख तक खींचा जाए, क्योंकि राजस्थान में भी खींचतान और दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस वजह से यहां पर भी वही स्ट्रेटेजी दिखाई देती है। और हमारे साथ हमारे कंसल्टेंट एडिटर अजीत मंदोला जी जुड़ गए। अजीत जी, जो हम लगातार चर्चा करें कि छत्तीसगढ़ और एमपी की तरह, क्या यहां पर भी कांग्रेस की वही स्ट्रेटेजी कुछ सीटों को लेकर? जो अभी तक घटनाक्रम हुआ है दिल्ली में, उससे यही लगता है कि ये भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान का मामला भी लंबा खींचेगा, क्योंकि राजस्थान में भी जिस तरीके से दावेदारों की संख्या बढ़ती गई और वो आखिर में स्थिति यहाँ तक हो गई कि आला कमान के लिए भी तय करना बड़ा मुश्किल हो गया कि किसको टिकट दें किसको नहीं दें। और छानबीन समिति लगातार बैठकें कर रही है, भले औपचारिक रूप से वो आज बैठे हों लेकिन लगातार उनकी बैठकें फिर चल रही हैं। और शैलजा तो पिछले 1.5 महीने से, जब से उनका नाम अनाउंस हुआ है, वो लगातार सचिवों और जो उनके साथ मेंबर बनाए गए उनके साथ बैठकें कर रही है। लेकिन राजस्थान में जिस हिसाब इस बार माहौल बना है, उस हिसाब से बड़ी संख्या में दावेदार सामने आ गए हैं और अब पार्टी को लगता है कि अगर उन्होंने कोई सी भी चीज पहले निकाल दी तो नाराजगी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। इसलिए वो अब इसी रणनीति पे काम कर रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में अभी तक देखिए कि अब 9 तारीख लास्ट डेट है, कल परसों दीपावली का वो है, लेकिन अभी भी कुछ सीटें रह गई है। तो इसी तरीके से राजस्थान को भी ये अब मेरे को जो आज संकेत मिले हैं कि पहले 8 तारीख में सीईसी में चर्चा होनी थी, लेकिन अब पार्टी ये कोशिश कर रही है कि 8 की बजाय इसको 12 तारीख वाली में करा जाए, क्योंकि 12 में मीटिंग जो फाइनल हो जाए फिर 14-15 में नाम अनाउंस करती है। चलिए अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज किस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में एक नई स्ट्रेटेजी कांग्रेस की निकल कर आई, उस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे।